जैसे कि आप इसके अंदर देख सकते हो, ऋषि मुनि अभी भी तपस्या कर रहे हैं इसके अंदर। तो गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो गाइस आज के वीडियो में अपन ऐसी जगह आ चुके हैं, यहाँ पे है दुर्वासी ऋषि मुनि का जो प्राचीन गुफा है, मतलब 5000 साल पहले के जो कुछ भी है तब का ये गुफा है। तो अभी अपन जाके देखेंगे क्या ये रियलिटी में गुफा दुर्वासी का जो गुफा है कि नहीं है, और क्या है वहाँ पे जाके जाएंगे। तो चलो गाइज यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पिल मुनि जो है उनका मंदिर था यहाँ पे, और जो ये कपिलधारा है उनके ही नाम से गिरा है, मतलब उन्होंने इसको नाम दिया था कि कपिलधारा करके। हाँ, शिवलिंगाची मूर्ती असल्यामुळे तिथे हवन कुंड आहे। इथे प्राचीन दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर पण आहे। हे दूधधारा मार्गवर आहे, एक कपिलधारा दूधधाराच्या थोडं बाजूला आहे। तर मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता हा गुफा आहे दुर्वासीचा, आणि जे दुर्वासी होते त्यांनी पांडवाला का ते प्रशिक्षण वगैरे दिले होते, आणि गुफा बघू शकता तुम्ही अतिशय। बघा तो जैसे की जसं काय हा गुफा बंद केलेला आहे बघू शकता। जैसे कि आप इसके अंदर देख सकते हो, ऋषि मुनि अभी भी तपस्या कर रहे हैं इसके अंदर। तो आपको दिखाते हैं उसका बाहरी हिस्सा अभी, मतलब उन्होंने बहुत, मेरे को लगता है बहुत प्राचीन मंदिर है ये वाला। यहाँ पे दुर्वासी ने भी तपस्या की थी यहाँ पे। अभी ये जो इधर भी एक ऋषि मुनि है वहाँ पे तपस्या कर रहे हैं, आपको दिखाता हूँ डिटेल में कैसा है, मतलब सच में कर रहे हैं, हवन भी कर रहे हैं यहाँ पे। मेरे पीछे आप देख सकते हो वो है दुर्वासी का गुफा, मतलब चूरी है अभी भी, तत्कालीन में जीवंत है, वर्तमान में है अभी भी। तो लोगों को लगता होगा कि ये सब झूठ है, पर ये पूरा रियल में सच में है। तो आप देख सकते हो दुर्वासी का गुफा, देखिए। तो चलो